कुछ तो गा के सुना दो कि ऑडियंस को मजा आ जाए कि यार दिन बन गया ये वीडियो तो बस इसी से पैसा वसूल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन विद कुणाल। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग से हम सब के दिल पे छाप छोड़ दी। उन्होंने बलराम का कैरेक्टर इतने बेहतरीन ढंग से निभाया कि आज के बाद जो भी श्री बलराम का नाम लेगा उनके दिमाग में पहला चेहरा उन्हीं का आएगा। तो आज हमारे साथ है बसंत भट्ट, जो कि ना कि बस एक अच्छे एक्टर है बल्कि एक अच्छे टीचर भी है। तो उनके साथ आज हम करेंगे फुर्सत से बात। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत कीजिए बलराम दाऊ यानी बसंत भट्ट का। क्या हाल है? वेलकम बसंत भाई। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप आए। मुझे भी अच्छा लगा आपके इसमें स्टूडियो में यूट्यूब वीडियो में पार्ट लेके। बट सबसे पहले थैंक यू बसंत भाई, आप आए यहाँ पे मेरे चैनल पे। और सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपको कैसा लग रहा है, आके सेटअप कैसा लग रहा है? अच्छा है, सेटअप तो अच्छा है। जब फ़ोन पे हमारी बात हुई थी तो लगा नहीं था कि इतना बड़ा कुछ कर रहे हो, बट इट्स गुड। लोगों के लिए भी अच्छा है, ऑडियंस को भी एक अच्छा ट्रीट मिलेगा। जो भी हम बात करेंगे वो उनके लिए भी जानना ज़रूरी है। एग्जैक्टली, बड़ा तो सेटअप करना ही था क्योंकि आप आ रहे हो। और ये बात आप 100% सही बोल रहे हो कि ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आने वाला है देख के, क्योंकि राधा कृष्णा खत्म हो गया, उसके बाद भी जो कैरेक्टर्स के साथ अटैचमेंट है लोगों की वो बहुत बड़ी है। मतलब ये चीज़ मैंने देखी है, मैं ज़्यादा दिन तक शो का हिस्सा नहीं था लेकिन जितने दिन भी था गजब का रिस्पांस मिला है। और आप लोगों को तो इतना प्यार मिलता है, आपको बहुत डीएम्स आते होंगे। yes. तो जो डीएम्स मुझे मिले हैं उसके ऊपर मैंने सोचा कि कुछ वीडियो बनाया जाए, जैसे कि एक्टिंग से रिलेटेड बहुत आते हैं कि कैसे राधा कृष्ण में आप कास्ट हुए, कैसे एक्टिंग जर्नी स्टार्ट करें। और आपने तो इतना काम किया है और जो भी कैरेक्टर किया है वो ऐसा किया है कि लोग हमेशा याद रखेंगे कि यार कार्तिकेय का नाम जब भी लेंगे तो विघ्नहर्ता गणेशा में किया था। और बलराम तो ऐसा कैरेक्टर हो गया कि जैसे बलराम का नाम निकलते ही एक ही चेहरा सामने आएगा, मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली। और बहुत से लोगों को यही लगता है जो अपने शो को प्यार मिलता है उस हिसाब से। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि कैसे आप कहाँ से आए, कैसे आपने एक्टिंग में करियर बनाया और पूरी जर्नी आपकी क्या रही है? तो जब पूछा ही है तो फिर स्टार्ट से ही बताता हूँ। मैं एक्चुअली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर ही मेरा जन्म हुआ था। और जब मैं एक साल का था तो पेरेंट्स मेरे मुंबई शिफ्ट हो गए थे, पर मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट थे तो उन्होंने कभी मुझे स्कूल्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेना अलाउ नहीं किया। मैं छुप छुप के पार्ट लेता था। उस टाइम से ही कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि जो रेगुलर लाइफ है या जो 9 to 5 जॉब लोग करते हैं ये मेरी लाइफ नहीं होने वाली। वो एक इंडिकेशन, एक इंट्यूशन आपको अंदर से आ जाता है। वो मुझे बहुत पहले ही आ गया था, बचपन में ही आ गया था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या बनूंगा और एक्टर बनूंगा ये तो दूर दूर तक नहीं सोचा। मुझे ये था कि शायद मैं सिंगर बन सकता हूँ, शायद मैं सॉन्ग राइटर बन सकता हूँ, कंपोजर बन सकता हूँ या डांसर बन सकता हूँ। लेकिन एक्टिंग की तो बात ही नहीं थी। बट क्योंकि फादर ने अलाउ नहीं किया तो वो बहुत टाइम तक वो सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बन के ही रह गया। वो प्रोफेशनल या करियर उसको बनाना है उस तरह का थॉट कभी आ नहीं पाया। जब मैं कॉलेज में था उन दिनों मैंने ट्राई किया कि कहीं कुछ मिले, तो पहले मैं जूनियर्स में स्टार्ट किया था। मैंने जो एड्स होती हैं उनमें और मूवीज़ होती हैं उनमें, तो बहुत सारे ऐसे एड्स हैं जिनमें पीछे कहीं दूर किसी कोने में मैं दिख जाऊँगा। तो उसी टाइम पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे और बोलते थे कि ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तुझे इसको कम नहीं समझना चाहिए। बट मैंने इतना कभी बड़ा सोचा नहीं था। और जब मैं देखता था, जब मैं जूनियर था और मैं देखता था कि जो लोग एक्टर हैं, जो एक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें देख के मैं बड़ा फैसिनेटेड होता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और मुझे मतलब कभी ये थॉट भी नहीं आया कि कभी किसी दिन मैं खुद वहाँ जाके वो चीज़ कर रहा हूँगा। बट कहते ना डेस्टिनी, तो उसके बाद फिर ऐसे ही वहाँ पर ही फ्रेंड्स बने। वो फ्रेंड्स जब छुट्टी होती थी, कभी काम नहीं होता था तो ऑडिशन देने जाया करते थे। उन दिनों मैं भी गया उनके साथ एक दिन, उसमें मेरा एक जगह हो गया। जब एक जगह हो गया तो उसके बाद फिर वही फ्रेंड्स ने कहा कि अब तो तुझे उसी में ट्राई करना चाहिए, जूनियर नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने फिर जूनियर,
स्टार प्लस का एक शो था फोर लाइंस प्रोडक्शन का, अच्छा, अर्जुन करके, अर्जुन नाम था उसका। तो उसके सिक्स्थ एपिसोड में मैं फर्स्ट टाइम टीवी पे अपीयर हुआ था नेशनल टेलीविजन पे, प्रॉपर कैरेक्टर में। प्रॉपर कैरेक्टर मतलब वो कोई लीड कैरेक्टर नहीं था, वो शो सीआईडी टाइप शो होता है। अच्छा, तो उसमें 5-6 डिटेक्टिव्स होते हैं और विक्टिम होती है, विक्टिम के ऊपर की स्टोरी होती है। तो जो विक्टिम था उसका वन ऑफ द फ्रेंड था मैं, बट मेरे लिए वो बहुत न्यू एक्सपीरियंस था, बड़ा एक्सपीरियंस था। वो करने के बाद फिर मैंने सीधा सूर्यपुत्र कर्णी किया और उस टाइम से ही फिर ये लर्निंग स्टार्ट हो गई और सीखते 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 फिर आज। ये तो फिर भी आपने मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर ऊपर से ही बताया, इसके बीच में जो स्ट्रगल है वो तो कहीं ना कहीं तोड़ देता है आदमी को, है ना। हम सब उस चीज से गुजर रहे हैं तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। जो भी ऐसा एक एक मौका मेरी लाइफ में भी आया था बीच में, मुझे एक प्रोडक्शन से कॉल आया कि इस रोल के लिए हम आपको ट्राई करना चाहते हैं। ऑडिशन हुआ, लुक टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया था। सब कुछ होने के बाद लास्ट मोमेंट पे दे रिप्लेस्ड मी, उन्होंने किसी और को ले लिया फॉर अननोन रीजन। वो मेरे लिए बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था और बहुत बड़ी सीख थी इस इंडस्ट्री के लिए और लाइफ के लिए भी, कि कोई चीज़ जब तक हो नहीं जाती, ऑन फ्लोर नहीं आ जाती, टीवी पे नहीं आ जाती, तब तक उसका विश्वास मत करो कि वो हो गई है। क्योंकि कभी भी लास्ट मोमेंट पे भी चीज़ें चेंज हो सकती है। उसके बाद तो फिर मैंने और भी लोगों के किस्से देखे जिसमें मैंने देखा कि लोग शूट करके आ गए, उसके बाद भी शो रिलीज नहीं हुआ, चैनल ही बंद हो गया, मूवीज के साथ होता है, करके आते बाद में सीन एडिट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग थी उस टाइम पे मेरे लिए, बट क्योंकि उस टाइम पे बच्चा था तो उसको मैंने बहुत अपने ऊपर हैवीली ले लिया और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस इंडस्ट्री में कभी और काम नहीं करूँगा, कभी ट्राई नहीं करूँगा। तो उस पीरियड के लिए 1.5-2 साल के लिए मैं योगा ट्रेनर बन गया था, क्योंकि मैं बचपन से ही योगा करता था। मेरे फादर योगा और इन सब चीज़ों में बहुत थे, तो उन्होंने हमें भी वो सारी प्रैक्टिसेस दी थी बचपन से, तो वो मैं सिखाना वो मेरा चल ही रहा था। बट फिर मुझे यहाँ से एक दिन कॉल आया अचानक, एंड पहला रिस्पांस तो मेरा ये था, मतलब मन में ये आया कि इनको बोलूँ कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि पीछे का जो एक्सपीरियंस था वो आपके दिमाग पे इतना हावी हो जाता है कि आप कॉल आया स्वास्तिक से नहीं सूर्यपुत्र कर्ण तो। बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है, सामने से कॉल आया है तो देयर इज़ नो हार्म जाके ऑडिशन देने में, तो मैं जाके ऑडिशन दिया एंड फिर चीज़ें वर्कआउट हो गई। तो ये ओवरऑल जर्नी रही है मेरी। वो सही, मतलब जितने लोगों के दिमाग में चलता है कि छोटे मोटे कैरेक्टर मत करो, उससे बड़ा काम नहीं मिलता है, और ये सब बातें ये कहीं ना कहीं नहीं है। अगर आप, मुझे लगता है कि छोटा काम भी करते हो सीखने तो मिल ही रहा है, सेट पे जाते हो। देखो मेरा स्कूल सिखा नहीं सकती है उतनी चीजें जितना ऑन सेट हम सीख सकते हैं। मेरा मानना ये है कि आप ये बोल रहे हो कि मुझे बड़ा रोल चाहिए या मुझे ऐसा स्पेसिफिक रोल चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी आप क्या कर रहे हो। करेक्ट करेक्ट। अभी आप उससे बेटर कुछ अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन चूज। जब आप एक अभी शाहरुख खान है, शाहरुख खान कैन मेक अ डिसीजन कि हाँ नहीं मैं ये नहीं करूँगा ये करूँगा, बट आप पहले बनो तो सही, अपने आप को प्रूफ तो करो कि उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब हाँ, मतलब नहीं है, सोच के कि ये नहीं आप करूंगा, आप ये सोचो आप कहीं नहीं दिख रहे हो, आपको एक मौका मिला दिखने का, आपने वो छोड़ दिया ये बोल के कि नहीं मैं जब बड़ा कुछ मिलेगा, तो बड़ा तो तब मिलेगा ना जब आप दिखोगे, आप पहुंचोगे ही नहीं जब आपको कोई जानेगा ही नहीं कि आप कभी अपीयर हुए भी थे टीवी पे, आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मिलेगी, बट बहुत चांस लो हो जाता है उस चीज़ का। काम से काम मिलता है, आप सीखोगे ही नहीं जब तक आप जाओगे नहीं ऑन फ्लोर। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोग जब ऐसे सीखने की बात आती है या ऐसी कोई बात निकलती है तो लोगों को बहुत कहते हुए सुना है कि नहीं नहीं एक्टिंग तो मुझे आती है, टैलेंट मुझ में बहुत है, बस मुझे चांस चाहिए, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए। बट ये अप्रूव किसने किया कि आपको एक्टिंग आती है, या मतलब ये आपने खुद ही डिसाइड कर लिया कि मुझे एक्टिंग आती है? खुद का ऑडिशन देख के सबको अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ ना कि खुद का नहीं। चलो अभी आप हो, आपके 4 फ्रेंड्स होंगे, वो तो आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे ना। करेक्ट है, जो सर्कल है। क्या वो 4 लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्या वो 4 लोग कास्टिंग में काम करते हैं, वो 4 लोगों को कैसे पता कि ये जो आपने किया वो उतना अच्छा था या नहीं था, ये बात। रियलिटी चेक के लिए भी कोई होना चाहिए लाइफ में जो बता दे कि नहीं, हो ना हो, लेकिन अगर आप किसी चीज को एज अ करियर परस्यू कर रहे हो फॉर अ लाइफ टाइम, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है वो पूरा घर वर छोड़ के गांव से भाग के मुंबई आते हैं और फिर यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो पहले अपने आप को देख तो लो, जान तो लो कि मैं क्या हूँ, और मुझे अगर कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए ऑफिशियल ट्रेनिंग क्या है।
तो जैसे आप डे टू डे लाइफ में भी जो चीजें करते हो, जब तक वो डे टू डे लाइफ में है तब तक ठीक है, तब तक तो कोई आपको जज नहीं करने वाला, ना ही कोई आपको बोलने वाला है कि नहीं आपने अच्छा किया बुरा किया, या इससे आप कहीं जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो या नहीं। लेकिन जब आप एक्टिंग को करियर बनाने की बात करते हो तो एक फॉर्मल ट्रेनिंग एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करें, कंफर्टेबली अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें। बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोग नहीं सीरियसली लेते, उनको लगता है कि हाँ डायलॉग बोल लेना ही सिर्फ एक्टिंग है, बट उसके इनर एस्पेक्ट्स क्या हैं उसके बारे में कभी कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, कोई उसके बारे में जानना नहीं चाहता। एक्टर बनना सबको है लेकिन बनने के लिए जो मेहनत है वो कोई नहीं करना चाहता। एक्टिंग के बारे में ये चीज मैंने भी नोटिस की है कि डांसर जो है डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, yes. है ना, सिंगर डेली सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एक्टिंग को ऐसे लेते हैं कि ऑडिशन आया, ऑडिशन पे चले गए, right. लेकिन तुम एक महीने से कुछ नहीं कर रहे हो प्लस प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो। ऑडिशन पे जाओगे तो तुम्हारा वो निकल के ही नहीं आएगा जो उनको चाहिए। ऑब्वियसली अभी आप देखो, बहुत सही पॉइंट बोला आपने, आप जब सिंगिंग सीखने का सोचते हो, कोई भी इंसान सिंगिंग सीखने का या डांसिंग सीखने का सोचता है तो पहला थॉट माइंड में क्या आता है कि कोई अच्छा टीचर पकड़ते हैं, कोई ऐसा हो जो हमें एकदम परफेक्टली ट्रेन कर सके। बट जैसे ही एक्टिंग की बात आती है, नहीं नहीं मैं तो, हाँ मैंने तो प्रैक्टिस की हुई है। मैंने, आपको कैसे पता कि जो आपने प्रैक्टिस की है वो सही प्रैक्टिस की है? अभी आप और मैं जिम ज्वाइन करते हैं, आप पर्सनल ट्रेनिंग किसी को हायर करते हो जिम में, ट्रेनर को, और मैं बोलता हूँ नहीं नहीं मुझे तो पता है मुझे आता है, किसी दिन कोई मसल एक हो गई, कुछ हो गया, तो उस दिन मैं ये चीज नहीं सोच पाऊंगा कि यार मैंने उस दिन ये कर लेना चाहिए था, ट्रेनर हायर कर लेना चाहिए था, मतलब टाइम निकल जाने से टाइम ले, हाँ चीजों पे जो आपको समझना है वो आज समझना है तो उसका फायदा आपको फ्यूचर में मिलेगा। आप अगर आज ये सोच लोगे नहीं नहीं मैं तो कर सकता हूँ कर लूंगा, ऐसे भी लोग हैं, बट ऐसे मेरी नजर में सिर्फ एक ही आदमी है जिसने बिना किसी ट्रेनिंग के अपना नाम पूरी इंडस्ट्री में रोशन किया। गेस करो आप, ट्रेनिंग तो वैसे मैंने भी नहीं ली है, लेकिन हमारी जर्नी अलग रही है, उसकी जर्नी मेरी जर्नी। हम देखो दो तरह की लर्निंग होती है, एक होती है कॉम्प्लिकेटेड लर्निंग, एक सिंप्लीफाइड लर्निंग। एक गुरु जो होता है वो आपको सिंप्लीफाइड करके जो उसकी लाइफ में, जैसे अगर मैं अपनी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की वजह से कुछ चीज़ें सीखा हूँ, यहाँ स्ट्रगल करके वहाँ करके, कुछ अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस से जो मैं सीखा हूँ, जब मैं किसी को वो चीज़ें सिखाऊंगा तो उसको सिंप्लीफाइड करके सिखाऊंगा। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस टाइम पे जो भी मैथ्स किया होगा, जो कुछ भी किया होगा, ऑब्वियसली बहुत स्ट्रगल करके सीखा होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही होगी उनकी लाइफ। बट आज अगर हमें कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें उतने सारे कॉम्प्लिकेशन से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो कुछ अपन ने सीखा इतने सारे जो उन्होंने हाँ जो लोगों को जो उन्होंने अपने कॉम्प्लिकेशन से सीख के जो सिंप्लीफाइड तरीके या उनके फॉर्मूलाज हमारे सामने प्रेजेंट किए, उन्हीं फॉर्मूलाज को हम अप्लाई करके डे टू डे लाइफ में चीजें सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली जब कोई गुरु आपको सिखाता है तो वो आपको सिंप्लीफाइड तरीके सिखाता है। तो ऐसे मेरी नज़र में तो एक ही इंसान है जिनका नाम है किशोर कुमार। उन्होंने ना ही एक्टिंग के लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली हुई है, ना ही सिंगिंग के लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली, बट फिर भी वो मतलब अपने आप में लेजेंड है। बट हर कोई ऐसा कर पाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको कॉन्फिडेंट अगर लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप ट्राई करो, कोशिश करो, बट अगर नहीं आ रहा है तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो। बहुत सारे लोग अपने ही झूठ में, अपने ही इमेजिनरी अचीवमेंट्स में खोए हुए होते हैं, वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ट्रेनिंग से मुझे अभी याद आया कि आप भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो, right. आपके भी क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, उसमें क्या क्या आप सिखा सकते हो, नॉरस होते हैं ये सारी चीज़ें, तो क्या क्या मिलेगा अगर कोई ज्वाइन करना चाहे उसमें? मैं एक्चुअली ट्रेनिंग करना चाहता हूँ स्टार्ट, लेकिन अभी तक मैंने किया नहीं। अभी मैंने सिर्फ एक वर्कशॉप रखा हुआ है जस्ट टू सी कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आता है। और इस वर्कशॉप में भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जिससे एटलीस्ट लोगों को इतना पता चल जाएगा कि बेसिक एक्टिंग होती क्या है, नेचुरल एक्टिंग होती क्या है, कैसे की जाती है, उसकी प्रिपरेशन क्या होती है। रही बात ट्रेनिंग की तो बात सही है, प्रैक्टिसिंग आर्ट है एक्टिंग। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन फिर उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, हर दिन नहीं भी तो हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन। अगर वैसे मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो मुझे हफ्ते में 2 दिन मिलें तो उनके साथ प्रैक्टिस करने के लिए I'm okay, I'm ready. और एक्टिंग की बात हो रही है तो एक्टिंग को भी अभी आजकल अलग अलग हो गई है कि मैथोलॉजी है तो ऐसे टाइप की एक्टिंग चाहिए,
सोशल शो है तो ऐसा चाहिए, वेब सीरीज के लिए ऐसा चाहिए, मूवीज के लिए ऐसा चाहिए, तो ये क्या क्राइटेरिया है और इसके लिए कुछ अलग प्रैक्टिस होती है, क्या होता है इसके बारे में आप क्या? देखो, मेरे हिसाब से तो ड्राइंग एक आर्ट है, किसी म्यूजियम के लिए अलग होगी, घर के लिए अलग होगी, या इंटरनेशनल के लिए अलग होगी, ऐसा नहीं होता है। आर्ट आर्ट है। अब हर एक की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। एक 6 साल का बच्चा होगा वो ऑब्वियसली म्यूजियम के लिए नहीं बना पाएगा, मतलब कोई बच्चा बना भी सकता है पर हर बच्चा नहीं बना पाएगा, ऑब्वियसली 6 साल का है, उसकी नॉलेज लिमिटेड है, एक्सपीरियंस लिमिटेड है। तो एक्टिंग में भी अभी जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ट्रीटमेंट डिफरेंट है पर एक्टिंग तो सेम ही है। लेकिन इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं है नहीं कि अरे ये तो टीवी का एक्टर है, ये नहीं कर पाएगा वेब सीरीज, ऐसा टाइप का? ऐसा इसीलिए है क्योंकि देखो कैसा होता है कि जब आप कोई मूवी करते हो या कोई ऐसा प्रोजेक्ट करते हो जिसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत एफर्ट्स डाले गए, वेब सीरीज है या मूवी है या कुछ भी ऐसा है जिसकी प्रिपरेशन के लिए, डिटेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, तो उसमें परफेक्शन और शार्प हो जाता है। बट जब आप टीवी कर रहे होते हो, डेली आपकी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, डेली डायरेक्टर को शूट करना है, डेली अलग सेटअप लगना है, डेली सब कुछ नया होना है, तो आपके पास भी प्रिपरेशन टाइम कम होता है। तो वो बहुत टाइम तक करते 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 आपकी भी हैबिट ऐसी हो जाती है कि हाँ प्रिपरेशन ना ठीक है, एक दिन का हाफ डे का टाइम बहुत हो गया मेरी प्रिपरेशन के लिए। आपका वो माइंड सेट चेंज हो जाता है कि नहीं, इसको और डिटेलिंग में प्रिपेयर करना चाहिए, जो उन लोगों का रहता है जो मूवीज में काम कर चुके होते हैं। तो बस इस हैबिट का डिफरेंस है। लेकिन बहुत से कास्टिंग डायरेक्टर्स ना चांस ही नहीं देते, यही पहले डिसाइड कर लेते कि ये तो टीवी का है, ये तो नहीं कर पाएगा। अब ये तो हमारे सिस्टम एक्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस तो लाते हैं, जब ऑब्वियसली अपने को कोई अगर मैथ शो करना है उसके अंदर थोड़ी लाउड चीज़ें करनी होती है ना, लेकिन उससे कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि अपन फिर ये कैरेक्टर हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं एक्चुअली डिसएग्री करूंगा इस बात से। ये अपने आप में एक मिथ है कि माइथोलॉजी अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको लाउड करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि लाउड करना पड़ेगा। आप ऐसे सोचो ना कि अगर अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो उस जमाने के लोग भी तो ऐसे ही बात करते होंगे, ठीक है उनकी लैंग्वेज डिफरेंट रही होगी और शुद्ध हिंदी रही होगी, लेकिन लहजा तो यही रहा होगा, बातचीत करने का तरीका तो यही रहा है ना पहले से भी। पहले कोई ऐसे करके तो बात नहीं करता होगा, लेकिन ऐसा करवाते हैं, करवाते हैं, क्योंकि लोग जो कास्टिंग में हैं या जो भी वहाँ पर लोग हैं उन लोगों की समझ उतनी डेवलप्ड नहीं है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं अगर माइथो है तो थोड़ा वो होना चाहिए। वो भी आई थिंक टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अब वैसा नहीं है, अब वो खुद चाहते हैं कि आप नेचुरल करो। इनफैक्ट अगर आप नेचुरल देते हो तो उनके लिए वो प्लस पॉइंट होता है, बट क्योंकि ये इतना वाइडली एक्सेप्टेड फेनोमेनन बन चुका है कि लाउड करना पड़ेगा तो लोग भी जाकर लाउड ही करते हैं। करेक्ट, तो इस सोच को बदलने के लिए ही तो एक गाइड होता है ना, एक इंसान होता है जो आपको बता सके सही और गलत का डिफरेंस, करेक्ट वे और इनकरेक्ट वे का डिफरेंस। आप तो कर रहे हो, आप तो एफर्ट्स डाल रहे हो, अपनी एनर्जी डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन वो एनर्जी सही तरीके से चैनलाइज हो रही है कि नहीं वो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये चीज़ें समझ की है जो मैं चाहता हूँ कि हर कोई समझे कि क्यों एक्टिंग एक सटल आर्ट है। वो टाइम चला गया, अभी देखो थिएटर का प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, वही मैंने कहा कि जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स चेंज होंगे उसके अकॉर्डिंगली एक्टिंग का तरीका भी थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंट होता ही जाएगा। जैसे अब आप स्टेज में हो तो लोग बोलते हैं कि अरे जो थिएटर करके आया है, स्टेज एक्टिंग करके आया है, वो ऑलरेडी बहुत लाउड होता है। दे आर लाउड एक्चुअली बिकॉज उनको करना पड़ता है लाउड। अब एक आप थिएटर में हो, आप यहाँ से परफॉर्म कर रहे हो, सामने 100 लोग बैठे हैं, जो लास्ट सीट पे बैठा हुआ बंदा है उसको भी दिखना चाहिए कि आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसके लिए उनको लाउड होना ही पड़ता है, उनके पास ऑप्शन नहीं होता। लेकिन आप जब कैमरा में एक्टिंग कर रहे हो तो कैमरा में तो आपका फेस दिख रहा है, इतने से फेस में आप एक्सप्रेस करने के लिए आपको लाउड करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं। थिएटर एक्टिंग में और टीवी एक्टिंग बोलो या जो भी कैमरा एक्टिंग है उसके अंदर भी जो लोगों ने मैनेज किया है वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बड़े एक्ट्रेस जो है थिएटर से आए लेकिन वो इस लेवल का काम कर रहे हैं कि मतलब आज दुनिया फैन है उनकी। yes, है ना, तो मैनेज करना भी एक सीखने की जरूरत है कि दोनों चीजों में डिफरेंस है, ये मान लो। मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप कैमरा के सामने आते हो या किसी ऑडियंस लाइव ऑडियंस के भी सामने आते हो और आपको पता है कि मैं कितने लोगों तक रीच हो पा रहा हूँ, कैमरा में तो आप ऑटोमेटिकली सब में रीच हो,
लेकिन जब आप लाइव ऑडियंस के सामने भी हो तो आपको आपकी अवेयरनेस कितनी है कि कितने लोगों को आप एंगेज कर रहे हो अपने एक्ट में, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे आपको ये चीज़ बताता है। और आपने बताया कि स्टार्टिंग में आप सिंगिंग में आने वाले थे, और सिंगिंग तो मैंने आपकी सुनी है, ज़बरदस्त है, लेकिन डांसिंग का मुझे थोड़ा ये लगा कि मैंने डांस करते हुए नहीं देखा आपको। डांसिंग मतलब अभी भी ट्रेनिंग चल रही है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअली जब कॉलेज में था तो उस टाइम पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना है, ऐसा एक्साइटमेंट था। अच्छा। तो क्या करे क्या करे क्या हो रहा है, तो डांस एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था जिसमें लोग मतलब इंटरेस्टेड भी रहते थे और बहुत अप्रिशिएट करते थे जो लोग करते हैं उनको। तो मुझे ऐसा हुआ कि ठीक है मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं। तो उस टाइम पे हमने फिर कॉलेज में ही स्टार्ट किया करना और अच्छा करते थे उस टाइम पे हम, इनफैक्ट एक प्राइज भी जीते थे हमारे कॉलेज में। बट फिर जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ उसके बाद वो चीज़ भी छूट गई, क्योंकि वहाँ ग्रुप था, लोग थे, वहाँ हाँ वहाँ से निकलने के बाद ना ग्रुप बचा, ना कॉलेज बचा, ना स्पेस बचा, तो कभी वो चीज़ आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाई। और फिर लाइफ की अलग अलग चीज़ें थी जिन्होंने अपने में इन्वॉल्व कर लिया। तो लेकिन सिंगिंग नहीं छोड़ पाया, क्योंकि सिंगिंग तो एज अ हॉबी ही करता हूँ, प्रोफेशनली अभी भी नहीं करता। लेकिन सिंगिंग जो है आपकी वो बहुत से लोगों को पसंद है। हाँ। क्योंकि जहाँ जहाँ आपको गाते हुए सुना है लोगों ने, कोई इंटरव्यू लेने आता है तो गाना गाने के लिए बोलता है। मैंने जब पर्सनली स्टेज पे सुना था तब का वीडियो देखना, मैं सामने ही खड़ा था और मैं ऐसा हो गया था, ओ भाई क्या है ये, कितने सही सिंगिंग हो रही है। और अब ये टॉपिक चल रहा है ना, सारी ऑडियंस जो देख रही है ना कैमरे में सोच रहे हो कि यार गाना गवा दे यार भाई। तो थोड़ा सा सिंगिंग का एक्चुअली मैं मुझे एक टाइम तक ऐसा लगता था कि मैं शायद लाइफ में सिंगर ही बनूंगा। नहीं बन भी सकते अभी नहीं, भी। नहीं नहीं वो गलत फहमी है मेरी। ऐसा क्यों लगता है आपको? बन सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, लेकिन अगेन वही जो बात मैंने की है, अगर मैं बोलूँगा कि हाँ मैं बन सकता हूँ अभी जाके बन जाऊँगा, तो मैं अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा, जो मैंने अभी बोली कि किसी भी चीज़ की जब तक आप एक बेसिक ट्रेनिंग नहीं लेते हो, आप भले ही देखो कैसा होता है, ग्रेजुएशन आप करते हो पर उसके बाद जब पीएचडी आप करते हो तो पीएचडी में आपकी खुद की थीसिस होती है, वो कहीं से आप पढ़ के नहीं करते, आप खुद उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे होते हो। दैट इज़ सिमिलरली कोई आर्ट जब आप परस्यू करते हो तो उसकी एक बेसिक ट्रेनिंग तक आप किसी से ले सकते हो, उसके आगे की जर्नी आपकी खुद की जर्नी है, आप क्या क्या एक्सप्लोर करते हो क्या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है मैं वो बेसिक ट्रेनिंग तक ही नहीं पहुँचा हूँ अभी। मैं गा लेता हूँ अच्छा, बिकॉज मैं जब गाता हूँ तो मुझे गाना बहुत पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, लेकिन सिंगर बनने के बारे में अभी मैंने उतना सोचा नहीं। तो फिर तीन चार लाइनें हो जाए, उसके बाद एक और गेस्ट आने वाले राधा कृष्ण से। अच्छा। हमारे साथ वो भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके। और उसमें मजा आएगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ तो गा के सुना दो कि ऑडियंस को मजा आ जाए कि यार दिन बन गया, ये वीडियो तो बस इसी से पैसा वसूल है ऐसा। ठीक है चलो आप बताओ कौन सा गाना गाऊं। आप जो भी चाहो, वैसे राधा कृष्ण का टाइटल सॉन्ग तो कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। नहीं नहीं खुद के वॉइस में नहीं है। तुम ही लोग सजेस्ट कर दो कौन सा गाऊं। अरे बोलो बोलो यार शर्माओ मत। ये दिल है मुश्किल, दिल टूटा आशिक बोला हमारा राकेश। लिरिक्स निकाल के दे दो मुझे। तो गाइस जब तक हम गाने के बोल ढूंढ रहे हैं तब तक आप लोग नीचे जाके सब्सक्राइब बटन को दबा दो यार, क्योंकि आगे और वीडियो आने वाले हैं। तो ज़रूरी है आप लोग दबाओगे नहीं सब्सक्राइब बटन तो फिर आपको वीडियोस ही नहीं मिलेंगे आगे के, और आगे बहुत मस्ती होने वाली है। एक और गेस्ट जैसे मैंने बताया राधा कृष्ण से आने वाले हैं, भाई के लिए भी सरप्राइज़ है, आपके लिए भी सरप्राइज़ है, बस मुझे पता है और मैं नहीं बताऊँगा, आने दो। गेस करो कि कौन सा गाना गाऊँगा। और आप लोग तो बसंत भाई को बहुत अच्छे से जानते हो, तो मुझे लगता है कि आप लोग ना फटाफट कमेंट कर दो कि कौन सा गाना अभी ये ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपका गाना सही निकला ना तो पिन कर दूंगा आपका कमेंट, सच बताओ। देखते हैं कितने लोगों ने सही गेस किया। आज ही यारों किसी पे मर के देखेंगे हम, प्यार होता है ये कैसे करके देखेंगे हम, किसी की यादों में खोए हुए ख्वाबों को हमने सजा लिया, किसी की बाहों में सोए हुए अपना उसे बना लिया,
यार प्यार में कोई यार प्यार में कोई ना जागता ना सोता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। थैंक यू। अभी स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं। हाँ, कौन है? थोड़ा सा मसाला ऐड हो जाए हमारे इस इंटरव्यू में, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं वो बहुत यूनिक है, जो हम लोग बात कर रहे हैं उससे अलग होगा, बहुत मजा आएगा देखने वालों को। Okay. तो मैं बुलाना चाहूँगा